मातृ दिवस समारोह में शिक्षाविद डॉक्टर गौरव गर्ग ने कहा कि माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है, जो हमें चलना, बोलना और प्यार करना सिखाती है। वह हमारे बिना कुछ कहे ही हमारे दुखों को समझ जाती है और हमें एक योग्य व्यक्ति बनाती है। काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में मातृ दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ममता रावत, ऋतु दुआ तथा बबीता ने सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौरव गर्ग ने कहा, माँ ही वो पहली गुरु होती है जो हमें चलना, बोलना और प्यार करना सिखाती है। वो हमारे बिना कुछ कहे हमारे दुखों को समझ जाती है। इसके बाद कक्षा एक और दो के छात्राओं ने अपने नृत्य द्वारा सभी का मन मोह लिया। कक्षा तीन तथा चार के विद्यार्थियों ने माँ की महिमा गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल में बच्चों की माताओं के लिए एक रेम वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रथम मिस भव्या अग्रवाल, दूसरा स्थान मिस कैसर जहां और तीसरा स्थान पर हेमलता रहीं। पहले तो सभी में मातृ शक्ति को और सारी माताओं को नमन है मेरा, और आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है और इसी तरह से हम हर वर्ष ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं मदर्स डे का सेलिब्रेशन। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मदर्स को एक ग्रेटिट्यूड है उनको स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि देखिए जो माँ ने किया है वो तो हम उतना तो नहीं कर अदा कर सकते, लेकिन उनको एक स्पेशल कुछ, हालांकि हर दिन माँ का ही होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल डेज है ऐसे जिसमें हम उसको ज़्यादा स्पेशल फील करा सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है, सारी माताओं को समर्पित है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा गौरव सर और शिफ्टी मैम द्वारा मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और मैं हर साल अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराती हूँ, और ये मदर्स को भी ये मौका देती है कि मदर्स भी अपने लिए कुछ करें, वो अपने बच्चों के लिए कुछ करें। और मैं लास्ट टाइम भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, इस बार भी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे बच्चे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम भी बच्चों के लिए कुछ करें। सबसे पहले तो मैं स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इतने शॉर्ट टाइम में बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की, और बच्चों ने जो भी परफॉर्मेंस दी है सच में दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।